दीपक रेंट भी बता दिया जाए, लोगों का एक क्वेश्चन जरूर होगा कि म्यूनिक रेंट बताएंगे हम आपको अगले वीडियो में। ठीक है, तो हम रेंट जो है वो अगले वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग वेट कर रहे थे, मतलब कमेंट्स से पता चल रहा है कि आपको जानना है कि यहाँ का रेंट कितना है। आप लोगों ने गैस भी किया और कुछ लोगों ने बहुत हद तक जो है सही गैस किया। इसी के साथ वेलकम बैक टू आवर चैनल, मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप। और आज हम लोग जो है आपको बताने वाले हैं इस पर्टिकुलर एरिया में रेंट्स कितने, प्लस हमारे जो अपार्टमेंट है उसका रेंट कितना है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो वीडियो जो है वो एंड तक देखिए, क्योंकि हम लोग जो है वो वॉक पे जाने वाले हैं, आपको अपना नेबरहुड बताने वाले हैं। और हमारे जो फ्रेंड्स जहाँ जहाँ रह रहे हैं, जिन जिन बिल्डिंग में, एक बिल्डिंग आपको दिख ही रही होगी पीछे, उसका क्या रेंट है जितना हमें पता है, और जो हम लोग मतलब वेबसाइट वगैरह में देखते रहते हैं, वो आपको सब कुछ बताएंगे, ताकि आपको पता चले म्यूनिक जो है वो कितना महंगा है, या यहाँ पर जर्मनी में म्यूनिक में रेंट्स जो हैं वो कितने हाई हैं। तो चलो यार, बिना कुछ टाइम वेस्ट करे हुए वीडियो जो है मैं दीपक को हैंड ओवर दे रही हूँ, क्योंकि सबसे पहला जो रेंट है वो बताएगा हमारे ही अपार्टमेंट, मतलब हमारी ही बिल्डिंग में एक दूसरे अपार्टमेंट का। तो जैसे ये वाला नीचे वाला अपार्टमेंट हमारा है, ऊपर जो है हमारे, वो मेरे एक फ्रेंड ने रेंट पर लिया है अभी, तो उसका रेंट मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली बात तो मतलब रेंट जो है कोई ऐसा फिक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का 70 क्वाड्रेट मीटर है तो दूसरा अपार्टमेंट 70 क्वाड्रेट मीटर का सेम ही होगा। एक एवरेज रेंट है म्यूनिक के अंदर, मतलब स्पेस के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, बिल्डिंग के हिसाब से, पर ये डिपेंड करता है ओनर टू ओनर। और ऑफकोर्स पार्किंग भी होती है कुछ अपार्टमेंट्स में, वो इंक्लूडेड होती है रेंट में। तो अगर आपके पास कार है तो आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप किसी और को भी दे सकते हो। तो पार्किंग अराउंड 80-100 यूरोस के आसपास होती है, जितना इस एरिया का मैं बता रहा हूँ। तो जो हमारा वाला अपार्टमेंट का रेंट है वो मैं बताऊँगा आपको सबसे लास्ट में, पर इस अपार्टमेंट का मैं आपको बताता हूँ, इसका रेंट है अराउंड 1450, 1450 यूरो, और अराउंड 62 मीटर स्क्वायर के आसपास का ये अपार्टमेंट है, और उसमें पार्किंग इंक्लूडेड है, और विद पार्किंग 1450, जो कि मैं कहूँगा एक अच्छा, मतलब सही रेंज में मिल गया है फ्लैट इस एरिया में। क्योंकि यहाँ पर जब हम आगे आगे जाएंगे और भी आपको बिल्डिंग दिखाएंगे, और वहाँ के जब मैं रेंट बताऊँगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये एक्चुअली सही प्राइस है। तो दीपक चलें, वैसे बिहाइंड द सीन हमने दिखाया था और घर जो था गंदे से अच्छा किया था, तो आज जो है वो घर साफ नहीं है, चलो चलते हैं। आज इतना साफ नहीं है घर, बट की फर्क पड़ता है। सो ये है हमारा एरिया, क्यों दीपा? यस। यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है सामने वाली, यहाँ से बिल्डिंग ही बिल्डिंग है चारों तरफ, आपको पूरा दिखाता है। हाँ, तो आप ड्रोन शॉट से देख सकते हो कैसी है, पर ये पूरा एरिया जो है वो रेसिडेंशियल एरिया है, एंड वेरी ब्यूटीफुली डिज़ाइन और बहुत अच्छे से बना रखा है ये। तो यहाँ पर जैसे ही हम अपने घर से आए, सबसे बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर सामने है। यहाँ पर हमने एक घर देखा था जो कि था अराउंड 78 क्वाड्रेट मीटर, और जिसमें दो रूम्स, एक हॉल, किचन और दो बाथरूम थे, जिसका रेंट था अराउंड 1800 यूरो इंक्लूडिंग पार्किंग। वो जो घर था वो एकदम वहाँ जो सामने दिख रहा है वो है, वो हमें नहीं मिला, पर ये घर हमने देखा था। इसके अलावा यहाँ पर छोटे घर भी हैं, बड़े घर भी हैं, मतलब वन जिमर अपार्टमेंट, टू जिमर अपार्टमेंट, डिफरेंट साइज़ के अपार्टमेंट। तो यहाँ पर जो है वो स्टार्ट हो जाता है 1000 यूरो टू, हमने ये 1800 यूरो देखा, इससे भी महंगे होंगे 2000 यूरो, 2200 यूरो, जो हमें यहाँ पर पता है। और हमारे कुछ फ्रेंड्स भी इस बिल्डिंग में रहते हैं। और ये है एक और बस स्टॉप। और दीपक, ये हमें नहीं पता था, ये हमारे फ्रेंड ने बताया, ये जो है वो स्कूल बन रहा है। हाँ, ये एक्चुअली बन चुका है स्कूल है, और ये शायद कीटा बनेगा, शायद, श्योर नहीं। तो यहाँ पर कुछ हमें लगता था यहाँ भी कोई बिल्डिंग बन रही है, पर नहीं। और ये भी एक सामने बिल्डिंग है जो भी बहुत ही खूबसूरत है, और इसके बारे में अब दीपक बताएगा। तो ये जो बिल्डिंग है हमारे पीछे, ये दूसरी बिल्डिंग है इस एरिया की, और बहुत अच्छी बिल्डिंग है। इसमें जो सबसे ऊपर वाले फ्लोर हैं दो, उनमें है डुप्लेक्स, और जो एक डुप्लेक्स मैंने देखा था ऑनलाइन, उसका रेंट था अराउंड 2500, और जो अराउंड मेरे ख्याल में 80 स्क्वायर मीटर का है, और 2500 काफ़ी ज़्यादा रेंट है।
और आगे चल के बहुत सारी बिल्डिंग है, मैं आपको सारे एरियाज के साथ एवरेज रेंट बताऊंगा, आगे चलकर आप शॉक हो जाओगे सुनकर। मतलब और भी मैंने कुछ देखे हैं आगे चल के बिल्डिंग में, अगर मैं अंदाज एवरेज बताऊं ना, एक देखा था मैंने 100 मीटर स्क्वायर का था, उसका रेंट था 2500। एक 150 मीटर स्क्वायर का काफ़ी बड़ा अपार्टमेंट है, उसका रेंट है 3600। मतलब 3600 रेंट कौन दे रहा है, मुझे समझ नहीं आता कौन है जो दे रहा है इतना रेंट। और जो एवरेज रेंट है इस एरिया में वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अभी थोड़ा ही चल के आए तो पीछे जो अपार्टमेंट है ये बहुत ही सुंदर लगता है मुझे, क्योंकि इसकी बालकनी बहुत अच्छी है। यहाँ पर हमारे कुछ फ्रेंड्स ढूंढ रहे थे, उन्होंने देखा कुछ अपार्टमेंट्स देखे, तो 48 क्वाड्रेट मीटर 2 जिम्मर अपार्टमेंट, 252 क्वाड्रेट मीटर देखे, और जो रेंट था उनका अराउंड 1200 यूरो से 1400 यूरो के लगभग था। तो ये एक एवरेज है 48 क्वाड्रेट मीटर 258 क्वाड्रेट मीटर, इतना आप मान के रखो अगर आप इस एरिया में रहते हो तो 1200 से 1400 जो है वो आपको रेंट मिलेगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, डिपेंड्स जो हमने आपको बताया। एंड बिकॉज यहाँ कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में, और वो क्यों है दीपक डिमांडिंग में वो भी हम यार देखो, पूरा तो एक एरिया नया डेवलप हो रहा है, पासिंग बान और पासिंग स्टेशन बहुत पास है, मतलब काफ़ी पास है, बसेस यहीं से, बस स्टॉप भी यहीं पर रहेंगे बिल्डिंग से बाहर निकलते ही, और पासिंग बान ऑफ का एडवांटेज ये है कि वहाँ से रीजनल बान चलती है, तो जिस किसी को इस डायरेक्शन में जाना होता ना, उनके ऑफिसेज वगैरह जिसके म्यूनिक से बाहर इस डायरेक्शन में, उनके लिए बेस्ट लोकेशन है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छी जगह। और बहुत सारे आईटी सॉफ्टवेयर ऑफिसेज जो हैं वो उस डायरेक्शन में हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो यहाँ रहना जो है वो प्रेफर करते हैं। तो आप जैसे देखो ये जो बिल्डिंग है सामने, इसका कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट हुआ है यहाँ पर, ये जो सामने ऊपर दिख रही है, क्या नाम है, पाठी और पासिंग। तो ये भी पीछे आप देखो, ये मतलब वही वाली जो बिल्डिंग मैंने आपको पहले बताई वही है, बहुत ज़्यादा फ्लैट्स हैं इसमें। और जब भी हम लोग यहाँ वॉक करने आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे बैंगलोर में कहीं किसी सोसाइटी में घूम रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है यहाँ पर जो भी सोसाइटीज़ होती हैं उनमें कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती, तो आप भी मतलब अगर आप इस सोसाइटी में नहीं रहते हो तो भी आप यहाँ पर वॉक कर सकते हो, घूम सकते हो, बहुत अच्छी बात है। उनका गार्डन भी यूज़ कर सकते हो, गार्डन कभी भी किसी के लिए भी जो है वो बंद नहीं होते, जबकि बैंगलोर या हमारे इंडिया में जो सोसाइटीज़ होते हैं उसमें आपको एंट्री करने के लिए आपको या तो वहाँ रहना पड़ता है या आपके रिलेटिव्स के लिए अलाउ रहता है, तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ की। ओके, तो अब एक और सोसाइटी या बिल्डिंग कह लो मेरे पीछे जो है, उसमें हमारी रिसेंटली एक फ्रेंड शिफ्ट की हुई है तो उसका मुझे बेटर अंदाज़ा है। तो अगर आपको अंदाज़ा बताऊं तो 1200 से 1400 के बीच में रेंट है 50 मीटर स्क्वायर तक का। उसके बाद आगे चल के और बिल्डिंग है जिनमें 90 मीटर स्क्वायर के घर हैं, उनका रेंट है अराउंड 2200-2300-2400 यूरो के आसपास। तो एवरेज अगर देखा जाए ना, तो जो 2BHK जिसको बोलते हैं अपने यहाँ पर, 2BHK जो बड़े अपार्टमेंट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं अराउंड 70 मीटर स्क्वायर से और 90 मीटर स्क्वायर तक, तो उनका सबका रेंट 2200 के आसपास है एवरेज। तो ये एवरेज रेंट है 2BHK का यहाँ पर। और ये देखो यहाँ आते से ही एकदम ऐसा लगता है कि जंगलों में कहीं आ गए हैं, और बहुत पार्क वार्क बने रखे हैं वहाँ पर, रखे हैं मतलब बना रखे हैं। ऊंचाई पे आ गए और पीछे आपको सनसेट जो है वो दिख रहा होगा, बहुत ही सुंदर हो रहा है यहाँ पर। और ये बहुत अच्छी बात है हमारे नेबरहुड की कि यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है इवनिंग में। और सबसे अच्छी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और इंडिया में थोड़ा सा मुश्किल होता है मिलने में अगर सोसाइटी ना हो, यहाँ बच्चों के लिए बहुत कुछ है खेलने, पीछे जो है वो लोग बास्केटबॉल खेल रहे हैं, वहाँ पर जो है टेबल टेनिस है वो कोई भी जाके खेल सकता है, और भी बहुत सारे गेम हैं यहाँ पर भी जो है वो स्लाइड्स वगैरह हैं बच्चों के लिए। तो ग्राउंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए जो है प्लस बड़ों के लिए है खेलने के लिए, और आप कभी भी यहाँ पर आके खेल सकते हो अपने ग्रुप के साथ या आप खुद। यहाँ पर और भी बहुत अच्छी चीज़ है वो ये है कि एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे पीछे जो है वो सुपरमार्केट है, तो दो सुपरमार्केट है, आल्डी और एडिका, दोनों ही बहुत वेल नोन सुपरमार्केट हैं, यहाँ सब कुछ सामान मिल जाता है, प्लस एक बेकरी शॉप है अंदर ही, रोजमान है, जहाँ पर कॉस्मेटिक्स और वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं।
तो ये है, प्लस और इस साइड जो है वहाँ पर भी दो सुपरमार्केट हैं, तीन सुपरमार्केट हैं एक्चुअली। तो इस एरिया में आसपास मतलब विद इन 1 किलोमीटर 500 मीटर के डिस्टेंस पर 3 से 4 सुपरमार्केट हैं, पर हम जनरली जो शॉपिंग है वो यहीं से करते हैं। अब बैक टू हमारा जो अपार्टमेंट का रेंट है, उसमें हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं। अभी तक हमने जितने भी आपको एवरेज रेंट बताया या जिस अपार्टमेंट्स के रेंट्स हमें पता थे, उसके अलावा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो एडिशनल होता है, वो आप जितना यूज़ करते हो उसके ऊपर होता है। तो पहले हम लोगों का लगभग बिल आता था 50 यूरो, बट अब जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो गया है बहुत। तो आई वुड से दैट कि 70 से 80 यूरो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो एडिशनली आपका जो रेंट है उसमें आप ऐड कर सकते हो। तो वो अलग से होता है, वो रेंट में इंक्लूडेड नहीं होता, वो पूरा का पूरा आपके यूसेज के ऊपर होता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, आपको एवरेज जो है वो फिगर पता चल गया होगा कि अगर यहाँ पर दो जिम्बर अपार्टमेंट मतलब एक रूम, एक हॉल, एक किचन और एक बाथरूम या दो बाथरूम, वो अगर 72 क्वाड्रेट मीटर मतलब 70 से 72 क्वाड्रेट मीटर होता है, तो उसका रेंट जो है इस एरिया में लगभग 1500 से 1800 यूरो होता है विथ पार्किंग। ठीक है, तो हमारा जो रेंट है वो भी ऑन एन एवरेज है, मतलब हमारा भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, जो इस एवरेज उसमें आता है उतना ही है। और वी आर लाइक, हमें घर मिल गया, यही बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि म्यूनिख में घर मिलना बहुत मुश्किल है। तो घर मिलना ही जो है वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ऑफ़ कोर्स रेंट्स जो जब आप देखते हो, जब आप दूसरी सिटी में रहते हो जर्मनी के वर्सेस यहाँ, तो लगता है यार बहुत ज़्यादा हाई हैं। और ऑफ़ कोर्स म्यूनिख में जो रेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो यहाँ आने के बाद एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगा, अरे बाप रे रेंट बहुत बढ़ गया है, पर दिस इज़ द एवरेज रेंट हेयर। तो आपको हमने एक फिगर बता दिया। अब ठीक है गाइज, आई होप हमें आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और जिन लोगों ने सही सही गैस किया था थैंक यू वेरी मच, मतलब आपको पता था कि यहाँ पर रेंट इतना है, बहुत सारे लोगों ने सही गैस किया था पिछले वीडियो पे। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ प्लीज़ 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 डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बहुत ज़रूरी है।